रीवा में भाजपा कार्यालय के पास स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर को देर जेसीबी से गिराने का प्रयास किया गया, जिसके बाद मौके पर बजरंग सेना के लोगों ने पहुंचकर इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध किया। मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों के गुस्से को देखते हुए जेसीबी को वापस जाना पड़ा। श्रद्धालुओं ने कॉम्प्लेक्स को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा कार्यालय के सामने कई दशकों से बनी भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर देर रात जेसीबी मशीन से धराशायी किया जा रहा था। इस बीच आसपास के लोग एवं बजरंग सेना के कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम करने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना की पुलिस द्वारा मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। देखते ही देखते शहर भर की पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पूछा कि आखिर किसके आदेश पर मंदिर को तोड़ा जा रहा था। उनका आरोप है कि पीछे बने कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों के द्वारा साजिश पूर्वक मंदिर के सौंदर्यकरण के नाम पर मंदिर को गिराने की साजिश की जा रही थी। बता दें कि मंदिर के निर्माण कार्य की अनुमति न ही जिला प्रशासन से ली गई थी और न ही कमेटी को कोई सूचना दी गई थी। मंदिर पर चले बुलडोजर से लोगों की भावना को ठेस पहुंची है, जिसके बाद भाजपा के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस बीच मौके पर पहुंचे एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी द्वारा लोगों को समझाइश दी गई, वहीं एफआईआर की भी बात कही गई है, जिसके बाद मामला शांत हुआ और भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। वहीं इस बारे में नगर के अध्यक्ष और भाजपा नेता वेंकटेश पांडे का कहना है कि मंदिर का कुछ हिस्सा जर्जर था, इस वजह से इसका सौंदर्यीकरण करना था, लेकिन कुछ लोगों ने आकर जबरन इसको मुद्दा बनाकर हंगामा शुरू कर दिया। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री। ये यहाँ पर डेका तिराहे में जो शिव मंदिर है, इसको कुछ लोगों ने क्षति पहुँचाई थी, तो इसमें जब हम लोग को सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है और लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है कि मंदिर को ऐसे ना तोड़ा जाए। इसमें ये देखने में प्रारंभिक तौर पे आ रहा है कि कोई मंदिर पुनर्निर्माण करने के जिज्ञासा से इसको तोड़ा जा रहा था, और लेकिन इसमें पुलिस और प्रशासन को विश्वास में नहीं रखा गया, हमको सूचना नहीं दी गई, तो प्रारंभिक तौर पे ये पब्लिक न्यूसेंस जैसा बनता है। और आस्था लोगों की जुड़ी हुई है मंदिर से, तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने प्रारंभिक जांच में लिया हुआ है और यदि अपराध किसी का बाकी पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। अभी अभी जांच में है, यदि ऐसा लगता है कि इंटेंशनली मंदिर तोड़े जाने के लिए किया गया है ये सब, तो कार्रवाई होगी। सर क्या एफआईआर में लैंड में है सर? अब वो लैंड हम लोग कल सुबह चेक करा के बता पाएंगे, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या स्थिति है। देखा जा रहा है कि निर्माण का पर्चा भी चस्पा कर रहा है। हाँ, वही बात संज्ञान में आ रही है कि प्रारंभिक तौर पे पुनर्निर्माण की बात इसमें देखने में आ रही है, लेकिन प्रशासन को और पुलिस को बिना संज्ञान के बिना किसी सूचना के ये कर रहे हैं ऐसा, तो वो भी गलत था। मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, शिव मंदिर का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने ये मंदिर बना हुआ है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? नहीं, मंदिर निर्माण समिति के लोगों ने मंदिर का कुछ हिस्सा जर्जर हो गया था, उसकी मरम्मत करा के जीर्णोद्धार करके उसको अच्छा नया रूप देना चाह रहे थे, उसी पे काम चल रहा था। कुछ रास्ते चलते दो चार उपद्रवी आए और उल्टा सीधा बोलने लगे कि मंदिर गिराया जा रहा है ये वो, तो ये सब उपद्रव कर रहे थे। सब मामला क्या, मंदिर तोड़ा नहीं जा रहा, बनवाया जा रहा है? मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इसको मंदिर समिति द्वारा ये बताया गया है कि मंदिर का और ही अच्छा रूप देना है, भव्य रूप देना है। कुछ जगह इस पे जीर्ण शीर्ण हो गई थी, तो उसका पूरा वो करा करके इसको भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। किनके द्वारा ये कराया जाएगा? मंदिर समिति के कई सदस्य हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं, जो मोहल्ले वासी है यहाँ पे, उन सब लोगों के द्वारा ये कराया जा रहा है। पुजारी को पुलिस ले भी गई है? वो तो पुजारी को पुलिस लेके नहीं गई है, यहाँ पे लोग न्यूसेंस कर रहे थे, तो एक सॉफ्ट कार्गो के हिसाब से पुलिस उनको किनारे की है, खाने उन्होंने नहीं ले गई। मतलब मंदिर तोड़ा नहीं जा रहा, बनवाया जा रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और पहले से अच्छा स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है मोहल्ले वासियों के द्वारा।